नमस्कार, अपडेट हेल्प में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि वीकेंड में केवाईसी कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका केवाईसी के बिना पे आउट रुका हुआ है और उनको केवाईसी करने में समस्या आ रहा है। तो मैं अभी वेबसाइट पर जा कर के आपको बताऊँगा कि आपने केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है, केवाईसी कैसे अपलोड होगा, और केवाईसी इस माध्यम से अगर आप अपलोड करते हैं तो एरर नहीं आएगा और वन टाइम में ही सक्सेसफुली केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, और केवाईसी कंप्लीट होने के बाद ही आपका जो है पे आउट आएगा। कुछ लोग आईएफएससी कोड वगैरह में भी दिक्कत करते हैं, तो आईएफएससी कोड के माध्यम में भी बताऊंगा कि कैसे आप केवाईसी को जो है आईएफएससी कोड को सही सही तरीके से आप अपलोड करें, या डॉक्यूमेंट्स कैसे सही सही तरीके से अपलोड करें, बैंक का डिटेल्स हम कहां डालें, और हम अपना जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड वगैरह कहाँ अपलोड करें। इस वीडियो के माध्यम से वो सारा डिटेल्स आपको जानकारी मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं वेबसाइट पे, और वेबसाइट ओपन कर करके मैं आपको बारी बारी से यह सब दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैं वीकेंड के वेबसाइट पे आ गया हूँ, और यहाँ पर आप सबसे ऊपर में आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन लिखा हुआ है। ये यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन है। यहाँ पर हम क्लिक कर करके अभी लॉगिन करते हैं, और इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक कर करके अपना आईडी और पासवर्ड मैं यहाँ डालता हूँ मैं, और ये आईडी पासवर्ड डाल करके मैंने अपना लॉगिन कर लिया। ये ऑलरेडी वेरीफाइड है केवाईसी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने केवाईसी करना है। तो इसको देखिएगा कि कैसे कैसे कहाँ पर जाकर के हम केवाईसी अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस वाले ये जो है ना, इस पर क्लिक करना है आपने। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखोगे कि केवाईसी का ऑप्शन है, ये इस पर क्लिक करना है आपने। मैंने उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर आप जैसा देखेंगे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड का जो है ऑप्शन आ रहा है ऊपर डालने का, जैसा कि मेरा यहाँ डाला हुआ है, ये और ये देख रहे हैं, पैन और आधार यहाँ डाला हुआ है। तो यहाँ पर आपने भी अपना जो है पैन और आधार सबसे पहले डालना है, और फिर अब नीचे चलता हूँ मैं। तो सबसे पहले जो है ना, फ़ोटो अपलोड करना कोई कंपलसरी नहीं है। आप अपना फ़ोटो डालना चाहें डाल भी सकते हैं, नहीं डालना चाहें नहीं डालें, कोई दिक्कत नहीं है। आधार, अब जो है ना, आपने क्या करना है यहाँ पर, आप सबसे ये आधार कार्ड फ्रंट, तो आपको जो है ना इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस वाले पे ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो अपलोड करने का ऑप्शन आता है। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करके दिखाता हूँ, देखिए फाइल यहाँ पर दिखा रहा है ना कि यहाँ पर फाइल में चले जाइए। तो फाइल में आप क्लिक करेंगे तो वो आपको गैलरी में लेकर चला जाएगा। गैलरी में जहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट का है उस पर क्लिक कर करके ओके कर देंगे तो आपका आधार आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आधार अपलोड होने के बाद, है ना, आधार अपलोड कर देंगे। आधार अपलोड करने के बाद जो है नीचे आपको सेव का ऑप्शन आता है। नीचे सबसे नीचे जो है ना, एक अपलोड करने के बाद यहाँ सेव का ऑप्शन आता है, उस पर सेव कर दीजिए। फिर पुनः जो है आधार का बैक वैसे ही करना है, पैन वैसे ही करना है, और कैंसिल चेक वैसे ही करना है, बारी बारी से। अब बैक का करेंगे, बैक के करने के बाद जो है नीचे सेव का ऑप्शन होगा, सेव कर देंगे। ये नहीं कि सबसे ऐसा नहीं करना है आपने कि सारा अपलोड एक साथ कर दिया उसके बाद नीचे सेव किया। एक फ़ोटो अपलोड करना है, फिर नीचे सेव करना है, एक फ़ोटो अपलोड करना है, नीचे सेव करना है। इसी तरह बारी बारी से चारों जो है, आधार का फ्रंट, आधार का बैक, पैन कार्ड और कैंसिल चेक, ये चारों अपलोड कर लेना है आपने। अपलोड करने के बाद पुनः अब हम जाएंगे बैंक डिटेल्स कहाँ पर हमें मिलेगा। तो अब हमें जो है ना, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, अब हमें इस वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करते हैं हम। इस वाले ऑप्शन पर प्रोफाइल में आप जाइए, ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल में क्लिक कीजिए आप। यहाँ पर जो है ना बैंक डिटेल्स आप देखेंगे, बैंक डिटेल्स पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर बैंक अकाउंट आप अपना सेव करना है प्रॉपरली, ढंग से, सही ढंग से। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो दिया हुआ है सेलेक्ट बैंक, तो बैंक आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका नाम होगा, कौन सा बैंक है, आईएफएससी कोड जैसे ही डालेंगे आपका नीचे ब्रांच और एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। तब आप ब्रांच और एड्रेस आप देखेंगे कि सही है, तो इसका मतलब कि आपका आईएफएससी कोड सही है। और उसके बाद नीचे सेव करने का ऑप्शन है, नीचे सेव कर दीजिएगा।
तो एक या दो दिन के बाद आपका जो है KYC अप्रूव्ड हो जाएगा, और अप्रूव्ड होने के बाद जो है आपके बैंक में जो है जो आपका पेआउट बनता है सक्सेसफुली चला जाएगा। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिनका भी KYC कंप्लीट नहीं है आज ही इस वीडियो को देख करके KYC आप अपना अपलोड कीजिए, और KYC अपलोड करने के बाद फिर बैंक डिटेल्स में जाइए, बैंक डिटेल्स सही भरिए आप अपना, और उसके बाद सेव कीजिए, और सेव करने के बाद आफ्टर सम टाइम्स मीन्स एक या दो दिन के अंदर जो है आपके जो है KYC अप्रूव्ड हो जाएगा, और अप्रूव्ड होने के बाद आपके बैंक में पैसा चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा और आपको पता लग गया होगा कि कैसे हम कहाँ जाकर के KYC अपलोड करें, और KYC अपलोड करने के बाद जो है आपका पेआउट चला जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है हम आपको आपके लिए लाते हैं सही समय पर आप तक पहुँच सकें और इसका आपको लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।